ट्रेडिशनल शैली में आपका स्वागत है। मैं शैली आपके लिए कुछ लाई हूँ बच्चों के लिए टिप्स, जो आपके घर में मौसम चेंज होता है तो यूज में आते हैं। तो बस शुरुआत करते हैं। जैसे कि बच्चे को सर्दी लगी हुई है तो हमने बच्चे को ऐसे लिटाया, फिर उसके बाद में अगर छोटा बच्चा है आपका तो आप बेबी रब यूज़ कर सकते हो, अगर बड़ा बच्चा है तो आप विक्स वेपो रब भी यूज़ कर सकते हो। छोटा बच्चा है तो उसको ज़्यादा ही ठंडा नहीं लगेगा, वो ये वाला काफ़ी उसको बच्चे को ठंडा लगेगा। तो हमें करना ये है कि हमने इसको लिया और ऐसे लेके निकाल के बच्चे के सीने पे ये हिस्सा और ये हिस्सा और पीछे बैक में बच्चे के हमने विक्स लगाया। अब विक्स लगाने के बाद में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अब हमको इसको सेंकना है, क्योंकि जो अंदर कप जमा हुआ है वो निकले बच्चे का। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमारे पास चीज़ें नहीं होती हैं, वैसे तो बहुत सारे बैग्स चल गए हैं जिससे हम बच्चों की सिकाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको छोटा सा बताती हूँ कि मैं जो यूज़ करती हूँ अपने बच्चे के साथ में, अपने बेटे के साथ में यूज़ करती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे बेड के पास ही ये स्विच दिया गया हुआ है, तो जैसे कि बच्चे को मैंने आगे से यहाँ से पूरा उसको यहाँ से यहाँ तक पूरा लगा दिया, फिर उसको बच्चे के बैक में लगा दिया मैंने। अभी तो मेरा बेटा नहीं लेटेगा कि यहाँ पे, बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनेगा, तो मैं एक पैर के ऊपर आपको बता रही हूँ। फिर हमने एक मतलब गर्म हुआ और ऐसे ऐसे करके कपड़े को ऐसे मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे ऐसे करके कर लेते हैं। फिर उसके बाद में उसकी हीट चेक कर लेते हैं कि उसकी हीट कितनी है। अगर हमारे अकॉर्डिंग ठीक है कि बच्चे को ज़्यादा नहीं लगेगा तो बच्चे को एक बनियान या एक कपड़े के ऊपर हम उसको लगा के पहना के, बिल्कुल सीधे स्किन पे नहीं रखना है हमको, बच्चे को बनियान और टी शर्ट जो भी कुछ पहनता है उसके ऊपर रख के ऐसे करके हमें 7-8 बार हल्के हल्के से सिकाई करनी है। फिर किया, फिर सिकाई कर ली, फिर ऐसे किया, ऐसे ऐसे करके हमको सिकाई करते रहनी है बराबर से। भाई 5 मिनट तक ज़्यादा करिए, ज़्यादा बच्चे को करना ठीक नहीं है। फिर इसको थोड़ा सा साइड में, बच्चा पलटेगा तो नहीं, ऐसे साइड में करके, या छोटा बच्चा है तो आप ऐसे करके ऐसे भी उसको आप सिकाई कर सकती हैं। तो आप देखिएगा आपके बच्चे को बहुत ही जल्द आराम मिलेगा। और आई होप कि ये नुस्खा जो घर का है आपको पसंद आए, समझ में आए, और प्लीज़ कैसा आपको लगा है ये आप मेरे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, और हो सके वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार।